नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत नेपाल ने संयुक्त रूप से तीसरी एकीकृत चेक पोस्ट लॉन्च की है। जी हां दोस्तों, इससे पहले दो एकीकृत चेक पोस्ट लॉन्च करी जा चुकी हैं। तो यहां पे मैं बात करूंगा कि एकीकृत चेक पोस्ट लॉन्च करने से क्या फायदा मिलने वाला है दोनों देशों को, और क्यों ये ऐसे जल्दी से जल्दी चेक पोस्ट बना रहे हैं। तो यहां पे पूरी डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए कि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एकीकृत चेक पोस्ट का फायदा क्या है। इसका फायदा यह है कि व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। यहां पे एक जैसे दरवाजे पर रोक के, एक प्रकार से एक दरवाजे पर रोक के यहां पे जो भी आवाजाही के, जो व्यापार के लिए ट्रक वगैरह जाते हैं, उनका देखभाल आसानी से किया जा सकता है, जिससे हमें फायदा होगा ताकि अनलीगल धंधे भी रुक जाएं। तो अभी पढ़ते हैं, देखते हैं न्यूज क्या है। तो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और लोगों में व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल ने गुरुवार को जो नेपालगंज में 147.12 करोड़ रुपए के एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण शुरू करने के लिए यहां पे बात करी है। द्विपक्षीय सचिवों को आगे ले जाने के लिए विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला काठमांडू की यात्रा के कुछ हफ्ते पहले ही इस विकास की जो घोषणा है वो की है। और इसके बाद भारतीय दूतावास ने एक अधिकारी बयान में कहा है कि भारतीय वाणिज्य और औद्योगिक मंत्री पीयूष गोयल और शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोयल श्रेष्ठ ने एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जमीन तोड़ समारोह भी देखा है। और इसके अलावा यहां पे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल सीमा के दोनों ओर एकीकृत चेक पोस्ट बना रहा है ताकि क्रॉस बॉर्डर कार्गो हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये कामयाब हो सके ताकि अनलीगल धंधों पर रोक लग सके और जो व्यापार कर रहे हैं उनको फायदा भी हो सके। इसके अलावा भारत सरकार नेपाल सीमा के दोनों ओर एकीकृत चेक पोस्ट बना रही है और दोनों देशों के बीच सीमा का पर जो मालवाहक ट्रकों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए एक ही छत के नीचे यहां पे सीमा शुल्क और आवर्जन सुविधा लाकर देगी। इसके अलावा बिरंगज और विराट नगर में ICP का एक संयुक्त रूप से उद्घाटन भी किया गया है। और MI ने कहा है कि भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों द्वारा क्रमशः अप्रैल 2018 और जनवरी 2020 में परिचालन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अभी जो सीमा विवाद चल रहा है उसे एक साइड में छोड़कर ये जो विकास के कार्य चल रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों देश यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं और इसके अलावा डेवलपमेंट भी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में व्यापार में अधिक से अधिक क्रांति लाई जा सके। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।